नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं शुभकर्ण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकेंड राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान यूनिट संख्या थर्ड में राजस्थान में कृषि से संबंधित टॉपिक का आज अध्ययन करेंगे। पूर्व के व्याख्यान में हमने यूनिट संख्या प्रथम व सेकंड पूर्ण कर ली, जिसमें पंचायती राज राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण से संबंधित विभिन्न कंटेंट के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज का जो टॉपिक है ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि यूनिट संख्या थर्ड में जो राजस्थान में कृषि से संबंधित जो टॉपिक है, राजस्थान में कृषि का क्या महत्व है, भूमि उपयोग, फसलें और कृषि नीति, व्यूह रचना और कृषि के आदानों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। क्योंकि राजस्थान में कृषि से संबंधित प्रश्न आपके यूनिट संख्या थर्ड में अधिकतर पूछते हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हैं राजस्थान में कृषि से आप क्या समझते हैं, उसके महत्व का वर्णन कीजिए। राजस्थान में कौन कौन सी फसलें हैं जो कि उनको संक्षेप में समझाइए। भूमि उपयोग, कृषि नीति, इनसे संबंधित प्रश्न आपके यूनिट संख्या थर्ड में पूछते हैं अधिकतर। तो आज हम बहुत ही उपयोगी चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि का महत्व या भूमिका, उसका अध्ययन करेंगे। राजस्थान में कृषि का महत्व या भूमिका, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर या रोल ऑफ इम्पोर्टेंस, ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। हम बात करें राजस्थान में कृषि की, क्योंकि राजस्थान में अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं, अपने जीविकापार्जन कृषि पर निर्भर रहकर ही करते हैं। अगर हम बात करें संपूर्ण राजस्थान से पूरे राज्य की लगभग 62% जनसंख्या अभी भी कृषि पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ पर मौसमी बेरोज़गारी अधिकतर पाई जाती है, जो कि ये कृषि से संबंधित है। क्योंकि अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं, तो मौसम के अनुसार जब मानसून होता है तब तो वो रोज़गार में रहते हैं, बाकी बेरोज़गार हो जाते हैं। तो यहाँ राजस्थान में जीविकापार्जन मुख्यतया लोग किसान हैं और कृषि पे निर्भर हैं और कृषि कार्य करते हैं। तो हम बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था अभी भी एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जहां पर 1960 व 61 में राज्य को कृषि से संबंधित शुद्ध घरेलू उत्पाद का 57% भाग कृषि से प्राप्त होता है, जो कि एक महत्वपूर्ण रूप से अब ये 2014-15 में घटता हुआ 26.41, 2015-16 में 24.7% अनुमानित रहा है। क्योंकि राजस्थान की जनसंख्या अभी भी कृषि व पशुपालन पर निर्भर है, क्योंकि कृषि कार्य जब रहते हैं तो पशुपालन का कार्य भी इसके अनुसार कर पाते हैं। तो इस प्रकार राजस्थान में कृषि की यह तो थी भूमिका। अब हम बात करेंगे राजस्थान में कृषि की महत्व एवं भूमिका। राजस्थान अभी भी एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां पर राज्य की यहां अधिकांश जनसंख्या रोजगार और आय का आधार है। कृषि इसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण तथ्यों या महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर इसकी इम्पोर्टेंस होती है, जो कि तत्व हैं। प्रथम है राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद का प्रमुख स्रोत। राज्य का शुद्ध
घरेलू उत्पाद का प्रमुख स्रोत है। कृषि है राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद का प्रमुख स्रोत कृषि मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर राज्य की सकल घरेलू उत्पाद 1960 व 61 में लगभग 57.3% था, जो कि 2015-16 में 24.7 अनुमानित रहा है। तो इस प्रकार इसका महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद का प्रमुख स्रोत कृषि मानते हैं। दूसरा, राज्य की 62% जनसंख्या का जीविकापार्जन का आधार है। राज्य की 62% जनसंख्या का जीविकापार्जन का आधार कृषि है, क्योंकि अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो जीविकापार्जन भी यहाँ पर 62% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो इस प्रकार राजस्थान में जनसंख्या की हम बात करें तो 62% जनसंख्या अभी भी कृषि कार्यों में संबंध रखती है। अगले बिंदु की हम बात करें तो राजस्थान में कृषि के महत्व में रोजगार का आधार भी कृषि मानते हैं। रोजगार का आधार कृषि है, क्योंकि राजस्थान में, जैसा मैंने आपको पूर्व बताया, राजस्थान में अधिकतर लोग व्यक्ति कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। तो रोजगार का आधार भी कृषि है। अगला, औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति का प्रमुख स्रोत। औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति का प्रमुख स्रोत औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति के प्रमुख स्रोत में कृषि की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बिना कृषि के औद्योगिक कच्चे माल बनाने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो ये भी इसके इम्पोर्टेंस में सम्मिलित हैं। अगला, राज्य सरकार की कुल आय का भी प्रमुख स्रोत है। राज्य सरकार की प्रमुख आय के प्रमुख स्रोत में कृषि है, क्योंकि कृषि से ही राज्य सरकार की इनकम बढ़ती है। कैसे? क्योंकि कृषि उत्पादन जब होता है तो राजस्थान सरकार को आयात निर्यात से संबंधित टैक्स और भी विभिन्न सेवाओं से होने वाले कर की प्राप्ति होती है। तो कृषि कार्यों में भी कुल आय में इसका राजस्थान सरकार की कुल आय का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। एक खाद्यान्न की पूर्ति एवं आत्मनिर्भरता में भी कृषि कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कृषि कार्य जब करते हैं तो अन्न की हमें आवश्यकता होती है, तो उनकी पूर्ति होती है और व्यक्ति आत्मनिर्भर रहता है। किसान वर्ग कृषि जब करता है तो आसानी से अपनी जीविकापार्जन या आसानी से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। अगला, परिवहन, व्यापार एवं संचार में महत्व है। सातवें पॉइंट की हम बात करें, परिवहन और व्यापार एवं संचार में भी इसकी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि यातायात कार्य जब बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, संचार में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से राजस्थान में कृषि के महत्व में ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु में आता है, परिवहन एवं व्यापार संचार। अगले हम बात करें, इसी प्रकार उद्योगों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। आठवें पॉइंट है, उद्योगों के विकास में भी
इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये भी एक सहायक एवं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। अगला है सामाजिक एवं राजनीतिक महत्व। नवा सामाजिक एवं राजनीतिक महत्व में भी कृषि कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसी प्रकार ये भी है एक बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र का विकास, बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्रों का विकास, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों के विकास में भी कृषि कार्य महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो इस प्रकार ये अपने 10 पॉइंट हैं जो कृषि कार्य के महत्व में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, जिसमें पहला है राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद का प्रमुख स्रोत। राज्य की 62% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। रोजगार का आधार कृषि है। औद्योगिक विकास की पूर्ति में कृषि का प्रमुख स्रोत मानते हैं। राजस्थान सरकार की कुल आय का प्रमुख स्रोत कृषि है। खाद्यान्नों की पूर्ति और आत्मनिर्भरता में भी कृषि कार्य सहायक है। परिवहन एवं व्यापार संचार में भी कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस प्रकार सामाजिक एवं राजनीतिक महत्व में भी, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में भी कृषि का महत्व है। उद्योगों के विकास में भी कृषि की अहम भूमिका होती है। तो इस प्रकार आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन किया कि कृषि क्या है और राजस्थान में कृषि का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसी प्रकार हम अगले वीडियो में आपके लिए राजस्थान में कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी कृषि हैं, रवि खरीफ फसलों का और भूमि उपयोग और विभिन्न बदलावों में परिवर्तनों का अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में कृषि के कौन कौन से हैं। तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम लेके आएंगे कि राजस्थान में कृषि की क्या भूमिका, क्या योगदान, क्या परिवर्तन हुए हैं, कौन कौन सी कृषि नीतियाँ हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।